हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज आपके सामने एक ऐसी कार खड़ी है जो एक माइलेज के पर्पज़ से अगर आप देखना चाहते हैं कोई गाड़ी, और साथ ही साथ एक प्रीमियम इंटीरियर एक्सटीरियर चाहते हैं, तो यहां पे आप मारुति के पास आ सकते हैं। नेक्सा सेगमेंट की बलेनो देख सकते हैं, और बलेनो में ये जो सामने वेरियंट खड़ा है ये सबसे मोस्ट एक वैल्यू फॉर मनी वाला वेरियंट खड़ा है। कीमत 7.5 लाख एक शोरूम कीमत है इसका, और बहुत ही अच्छे फीचर्स यहाँ पर ऑफर कर देती है ये वाला वेरिएंट। वेरिएंट का नाम क्या है, क्या क्या इसमें फीचर्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें इस डिटेल में वीडियो में आप देखेंगे, और क्या क्या फीचर्स इसमें आ रहे हैं, क्या इसका कीमत है, ऑन रोड कीमत क्या है, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले वेरिएंट के नाम से। तो यहाँ पे सामने जो वेरिएंट आप देख रहे हो ये इसका मोस्ट सेलिंग मॉडल जो कि है डेल्टा, बलेनो का डेल्टा मॉडल आप देख रहे हो। और डेल्टा में 2024 में क्या क्या फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पे इसका फ्रंट का प्रोफाइल देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन लगता है, ज़बरदस्त लगता है देख सकते हो। और ये जो है एक सेकंड बेस मॉडल है, मतलब बेस से जस्ट ऊपर वाला मॉडल है। इसमें ये जो है एक चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाती है बेस से, ये क्रोम आप देख रहे हो ऊपर, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो ये चीज़ यहाँ पर मिल जाता है बेस से ऊपर वाले मॉडल में, डेल्टा में सुजुकी का लोगो हो गया। और ये जो है एक लीफ पैटर्न में इसका ग्रिल मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। नीचे की तरफ देखेंगे तो एयर वेंटिलेशन यहाँ पर मिल जाता है कुछ ऐसा, और यहाँ पे कोई भी स्किड प्लेटें वगैरह इस कार में नहीं आती है। फॉग लैंप के लिए कंसोल छोड़ दिया है, चाहे तो आप बाद में लगवा सकते हैं। और इसके जो हेडलाइट्स मिलते हैं वो काफ़ी कमाल के हैं, प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो बल्ब मिलता है वो हैलोजन बल्ब है, यानी इसमें पीली रोशनी मिलती है। अंदर जो है छोटा सा बल्ब में टर्न इंडिकेटर मिलता है हैलोजन बल्ब के साथ है, और क्रोम वगैरह अंदर लगाया गया है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर फ्रंट का प्रोफाइल बना रहा है। तो ये है कार का फ्रंट प्रोफाइल। अब इसको साइड से अगर देखेंगे तो साइड से ज़बरदस्त यहाँ पर दिखती है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए काफ़ी लंबी कार है, और एक प्रीमियम हैचबैक कार इसको बोलते हैं। इसके कंपटीशन में i20 अल्ट्रोज जैसी गाड़ी इसके कंपटीशन में आती है, लेकिन ये जो है माइलेज के मामले में उनमें से काफ़ी आगे यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे सबसे पहले इसके डायमेंशन की बात कर लेंगे, तो डायमेंशन जो है 3990 mm का मिल जाता है कार की जो लंबाई है, और कार की जो चौड़ाई है वो 1745 mm की मिलती है, और कार की ऊंचाई वो 1500 mm तक का मिल जाती है। वहीं व्हील बेस की बात करेंगे तो यहाँ पे 2520 mm का यहाँ पे व्हील बेस मिल जाता है, जो काफ़ी बेहतरीन है। अंदर का स्पेस इससे अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे इसके व्हील्स की तरफ नज़र डालेंगे तो व्हील कवर के साथ ये मिलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सिल्वर व्हील कवर है, अपोलो के टायर्स फिलहाल यहाँ पे आ रहे हैं, और जो प्रोफाइल है वो 185/65R15 का यहाँ पे मिल रहे हैं। फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क मिल जाता है, और इधर देखेंगे रियर में, तो रियर में गाइस इसमें ड्रम ब्रेक्स आते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो इसमें 170 mm का यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिल जाता है, काफ़ी बेहतरीन है। अब यहाँ पे इसका साइड में इंडिकेटर वगैरह की बात करेंगे तो टर्न इंडिकेटर ORBM पे आ रहे हैं, देख सकते हो ग्लो कर रहे हैं, जो कि LED में है। और ये गाइज इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल दोनों यहाँ पे आ जाता है, वो भी सही है। ए पिलर देख सकते हो ब्लैक टेप्ड आउट है, बढ़िया लग रहे हैं। बी पिलर ये भी ब्लैक टेप्ड आउट है, सही है। सी पिलर में छोटा सा ग्लास एरिया यहाँ पे मिलता है ये कुछ, और बॉडी कलर के डोर हैंडल्स इसमें आ जाते हैं। तो ये है कार का साइड प्रोफाइल के बारे में। अब कार को एक बार रियर से देखते हैं। रियर से करीबन कुछ ऐसा दिखता है कार का रियर प्रोफाइल, देख सकते हो, और सही लगते हैं, बढ़िया डिज़ाइन के साथ है। टेल लाइट्स वगैरह की बात कर लेंगे तो यहाँ पे जो ब्रेक लैंप्स मिलते हैं वो LEDs में मिल जाते हैं। यहीं पे जो है टर्न इंडिकेटर है वो हैलोजन बल्ब के साथ है, और रिवर्स लैंप ये भी हैलोजन बल्ब में मिलता है। बाकी कुछ ऐसे रिफ्लेक्टर पैटर्न में कुछ यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे देख सकते हो ये जो है LED टेल लाइट्स यहाँ पे ग्लो करते हैं, बढ़िया लगते हैं। नीचे रिफ्लेक्टर वगैरह यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सेंसर 1, 2, 3, 4 यहाँ पे सेंसर मिल जाते हैं। यहाँ पे जो है इस मॉडल में रिवर्स कैमरा नहीं मिलेगा, बाकी बलेनो की बैजिंग हो गया, सुजुकी का यहाँ पे लोगो हो गया। इधर जो है यहाँ पे डिफॉगर ग्लास मिल जाता है इस मॉडल में, और ऊपर जो है हाई माउंट स्टॉप लैम्प, सबसे ऊपर पोल एंटीना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कार के रियर प्रोफाइल में देखने के लिए मिलता है। इसका एक बार बूट देख लेते हैं, बूट में तो वही सामान है। तो यहाँ पे देख सकते हो इतना सारा सामान यहाँ पे आ जाता है, ये करीबन 20 लीटर का डब्बा है, यहाँ पे सामान रखा हुआ पड़ा है। करीबन 318 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है इस गाड़ी में। इसके अलावा यहाँ पे कोई लगेज लैंप तो नहीं है, यहाँ पे हुक ज़रूर मिल जाता है, पार्सल ट्रे के साथ है, बढ़िया है। और स्टेपनी वगैरह इसके नीचे है, वो भी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं इसका साइज़ वगैरह मेंशन कर दूंगा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो ये था इसका बूट स्पेस के बारे में, यहाँ से ये बंद हो जाता है, करते हैं इसको बंद। अब जो है इस साइड में की तरफ आएंगे तो साइड में देखो भाई इसका मिल जाता है फ्यूल फिलर कैप। यहाँ पे जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है वो करीबन 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, जो कहीं ना कहीं एक बढ़िया रेंज जरूर यहाँ पे दे देता है। अब अंदर चलते हैं गाड़ी के, तो सबसे पहले जो है कार के डोर को ओपन करते हैं,
तो यहाँ से जैसे मैं ओपन करता हूँ तो यह इसका इंटीरियर देख सकते हो, कुछ ऐसा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ये जो है इंटीरियर एक ब्लैक कलर और एक ब्लू कलर का यहाँ पे फिनिशिंग के साथ यहाँ पे मिलता है, जो कहीं ना कहीं सही लगता है। मतलब ये जो कलर है शायद अगर कोई दूसरा कलर देता ना तो आई थिंक ज़्यादा बेटर मुझे लगता है। बाकी आप कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। यहाँ पे ये जो पोर्शन मिल रहा है इतना सा ये देख सकते हो, ये गाइस फैब्रिक में मिल रहा है, बढ़िया है। यहाँ पे चारों पावर विंडो, ड्राइवर वाला, ऑटो डाउन, ऑटो अप ये फीचर के साथ मिल जाता है। विंडो लॉक करना, मिरर इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल, यहाँ पे डोर लीवर हो गया, यहाँ पे बॉटल होल्डर, न्यूज़पेपर होल्डर, स्पीकर ग्रिल आ जाते हैं। स्पीकर की मतलब कितने स्पीकर इसमें आते हैं वो बताऊँ तो यहाँ पे 4 स्पीकर इस गाड़ी में आ जाते हैं। बाकी सीट की बात करेंगे तो टोटल फैब्रिक सीट यहाँ पे मिलता है इस मॉडल में, देख सकते हो कुशनिंग बहुत अच्छा है। सीट की जो है चौड़ाई वो काफ़ी अच्छी है और लंबाई भी अच्छी खासी मिल जाती है। बाकी यहाँ पे देखेंगे इसके एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे ज़रूर दिया गया है, और इसमें सीट में कोई भी एयरबैग्स नहीं है। इसका मतलब इसमें जो एयरबैग्स आ रहे हैं वो केवल 2 एयरबैग्स आ रहे हैं, वो भी सामने में। तो ये है कार का इंटीरियर। तो ये था इसका सीट और डोर के बारे में। अब अंदर बैठते हैं फिर अंदर के फीचर्स बताते हैं। बाहर हो रही है बहुत गर्मी, पहले स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ गाड़ी हो गई स्टार्ट, देख सकते हो न्यूट्रल है। तो देख सकते हैं कार का इंटीरियर बहुत ही बढ़िया लगता है। एक होता है ना प्रीमियम इंटीरियर, वो आप ज़रूर यहाँ पे कह सकते हो। फ़ैन की स्पीड थोड़ा कम कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हो यह है इसका स्टेयरिंग जो कि डी कट के साथ यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे जो है इसके कॉलिंग के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इधर म्यूज़िक के कंट्रोल्स, और इस साइड में खाली छोड़ दिया है। यहाँ पे जो है एयरबैग और हॉर्न यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिल जाता है इसका क्लस्टर देख सकते हो। पहले ये बंद कर देते लिप टिप। बाकी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एनालॉग मीटर मिल रहे हैं, आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, बीच में डिजिटल डिस्प्ले है उसको कंट्रोल करना यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे एवरेज स्पीड, रेंज ये चीज़ शो कर रहा है, एवरेज स्पीड किलोमीटर पर लीटर और एवरेज, तो ये 3 चीज़ यहाँ पे शो करता है। बाकी इस साइड से जो है ट्रिप है, ट्रिप भी, और ऑडियो मीटर यहाँ पे शो करता है। बाकी टाइम वगैरह भी दिख जाता है इसमें। तो यह इसके क्लस्टर के बारे में। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वाइपर वाले फंक्शन, इधर हेडलाइट वाले फंक्शन जो कि नॉर्मली आ रहे हैं, और ये स्टीयरिंग जो है एडजस्टमेंट देख लेते हैं तो ऊपर नीचे हो जाती है और आगे पीछे नहीं। तो यहाँ पे टिल्ट यहाँ पे जो मिल जाता है लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं है गाइस। यहाँ पे इसका म्यूज़िक सिस्टम देखो भाई ज़बरदस्त सा मिल जाता है। हालांकि ये वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है, लेकिन इसकी जो साइज़ है ये 7 इंच का है, और 7 इंच के हिसाब से जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। साउंड की क्वालिटी है, 4 स्पीकर है, बहुत बढ़िया साउंड यहाँ पे दे देता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे AC वेंट हो गया कुछ ऐसा, हैजर्ड लाइट वाला बटन, सिल्वर फिनिशिंग यहाँ पे कुछ ऐसा मिल रहा है डैशबोर्ड पे। इधर AC जो मिल जा रहा है यहाँ पे ऑटोमेटिक है देख सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। बाकी USB यहाँ से लग जाता है। इधर 12 वोल्ट एक्सेसरी सॉकेट है कुछ ऐसा, फ़ोन रखने के लिए स्पेस, कप होल्डर, ट्रांसमिशन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, वो भी क्रोम वोरोम सब कुछ चमचमाता हुआ यहाँ पे मिल जाता है। लेदर हो गया, क्रोम टॉप के साथ हैंड ब्रेक भी है, और बाकी कुछ यहाँ पे रखने के लिए जगह नहीं है। इधर ग्लव बॉक्स मिल जाता है कुछ इतना सा, डिसेंट स्पेस है। IRVM मैनुअली डिनर एडजस्टेबल आ रहा है। इधर कुछ नहीं है, प्लेन सनवाइजर है, लाइटें वगैरह हैलोजन बल्ब के साथ है, और इधर जो है वैनिटी मिरर मिल जाता है गाइस। ग्रैब हैंडल की बात कर लेंगे तो ऐसे सॉफ्ट कोलिजन के साथ बंद होता है, सामने लाइट मिलता है, इधर भी लाइट है कुछ ऐसा। तो ये है कार का इंटीरियर के बारे में गाइस। एक बार आपको रियर केबिन दिखा देता हूँ इसका कैसा कुछ मिलता है। चलो भाई, हाँ यहाँ पे कुछ बटन्स हैं, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो है ट्रैक्शन डिसेबल करने वाला बटन हो गया, ये हेडलाइट लेवल करने वाला बटन हो गया, और ये आइडल स्टार्ट स्टॉप को ऑफ करना है, नीड नहीं है तो यहाँ से आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, कॉइन्स वगैरह रखना हो या कुछ भी आप यहाँ पे वॉलेट वगैरह रख सकते हो। और चाबी तो मैंने बताई नहीं, तो यहाँ पे चाबी भी देख लो गाड़ी का, तो कुछ ऐसा यहाँ पे कार के कीज़ मिलता है। सेंटर लॉकिंग के साथ है गाइस, तो कोई भी दिक्कत परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो सही है, दोनों के दोनों रिमोट की है जिसमें लॉक अनलॉक के फीचर्स ही आते हैं। तो मैंने बंद कर दिया, एक बार फिर से स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि अभी चलना है पीछे। तो यहाँ से देख सकते हो कुछ ऐसा यहाँ पे कार का इंटीरियर मिल जाता है, बढ़िया है, सही है। यहाँ पे भी वही ब्लू फिनिशिंग यहाँ पे भी मिल रहा है, हालांकि ये जो है फैब्रिक में है, कुछ ऐसा सॉफ्ट फिनिशिंग के साथ यहाँ पे मिलता है। पावर विंडो वाला बटन, डोर लीवर, बॉटल होल्डर, न्यूज़पेपर होल्डर, स्पीकर ग्रिल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है डोर पे। इधर सीट देखेंगे रियर वाले तो कमाल के यहाँ पे लगते हैं, बहुत सही है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे तीनों पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट जरूर मिल जाता है, लेकिन बीच के लिए जो है छोटा सा यहाँ पे दिया है, इसको भी सेम रख देते तो ज़्यादा बेटर लगता। बाकी सीट जो है यहाँ पे देख सकते हो 60-40 स्प्लिट फीचर के साथ यहाँ पे आ रहा है, अंदर का सामान रखा हुआ है।
तो यहाँ पे देख सकते हो 60-40 स्प्लिट मिलता है, ये बहुत अच्छा यूज़ होता है इसका। बाकी सेंटर आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं आता है। तीनों पैसेंजर के सीट बेल्ट ये ज़रूर यहाँ पे मिलता है। आइसोविक वगैरह भी है। और यहाँ पे कैबिन में स्पेस कितना मिलता है रियर में वो देख लेते हैं एक बार। तो सही है, काफ़ी अच्छा स्पेस है, 2520 mm, इसीलिए इसका फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो जो ये ड्राइविंग पोजीशन पे है तब भी यहाँ पे लगभग 12 इंच के करीबन यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, बहुत सही स्पेस लगा मुझे। हालांकि यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट नहीं मिलेगा इस मॉडल में, यहाँ पे 12 वोल्ट आउटपुट ज़रूर मिल जाता है और यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिलता है। सीट बैक पॉकेट इस साइड में नहीं है, इस साइड में भी नहीं मिलता है। ग्रैब हैंडल हो गया, ये दोनों साइड में, एक साइड में हुक है, एक साइड में हुक नहीं है। लाइट मैंने बता दिया वो वाला। तो ये है कार का केबिन के बारे में था। अब इसका इंजन की बात करते हैं एक बार। तो ये है इसका इंजन, देख सकते हो बढ़िया इंजन यहाँ पे मिल जाता है, प्रॉपर इंसुलेशन के साथ है, देख सकते हो आप। और ये जो इंजन है यहाँ पे 4-सिलेंडर इंजन मिलता है इसमें, जो कि के सीरीज़ का इंजन आता है, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, नेचुरली एस्पिरेटेड वाला। इसको पहले लगा लेते हैं। 4-सिलेंडर होने की वजह से इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड यहाँ पे बन जाता है, मतलब कोई भी वाइब्रेशन वगैरह यहाँ पे बिल्कुल भी फील नहीं होती है। और यहाँ पे पावर वगैरह की बात कर लेंगे तो लगभग 88 BHP का पावर जनरेट करके देता है और 113 Nm का टॉर्क, सही है, मतलब 88 BHP और 113 Nm का टॉर्क, बढ़िया यहाँ पे पावर डिलीवर कर देता है। अब इसकी जो माइलेज की बात करेंगे ना गाइस, तो माइलेज यहाँ पे 22.3 km का माइलेज यहाँ पे क्लेम होता है। बाकी ये जो है गाड़ी हाईवे पे लगभग 24 km तक का माइलेज यहाँ पे दे देता है। तो लगभग जो ऑन एवरेज आप मान के चलिए, जो अगर आप इसको सिटी में चलाते हो तो 18 के आसपास में ये माइलेज दे सकता है, और हाईवे पे लगभग 24 km का माइलेज ये निकाल के दे सकता है। कमाल के माइलेज वाली कार है ये। अगर ये जो है पेट्रोल की बात कर रहे हैं, अगर इसमें CNG भी आता है, अगर CNG लोगे तो उसमें और भी ज़्यादा माइलेज है गाइज। तो ये था बलेनो के इंजन के बारे में, करते हैं इसको बंद। तो ये था गाइज बलेनो का डेल्टा मॉडल के बारे में, आज आपने देखा। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं बलेनो डेल्टा मॉडल में। कीमत मैंने शुरू में बता दिया था, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे इसका एक्सशोरूम जो कीमत है वो 7.5 लाख इसका एक्सशोरूम कीमत है, मतलब 7,50,000 रुपये। और ऑन रोड की बात करेंगे तो उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप फटाफट कॉन्टैक्ट करिए, इसका ऑन रोड प्राइस पता करिए, और अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो गाड़ी को बुक भी करा सकते हैं। कैसी लगी गाड़ी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।